शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कानपुर से कश्मीर की जो फ्लाइट है हाँ, उसमें दो टिकट चाहिए। पैसेंजर के नाम है अभय त्रिपाठी और श्रद्धा त्रिपाठी। जी आप ईमेल कर दीजिए मुझे। बस थोड़ी देर में ही हो जाएगा। हाँ वो तो देख ही रहे, अरे ऐसे भी फोटो शूट वाले आने वाले हैं, तो अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं अभी मैं कर लूंगी। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। तुमसे नजर ही नहीं हट रही, इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। अरे दूसरों से क्या नाराजगी, जब हमारे ही पति हमारा साथ नहीं देते और हमेशा दीदू का साथ देते हैं। स्वीटू, कब साथ नहीं दिया मैंने तुम्हारा? हाँ वाह, हमारे सपनों को छीन के उन्हें तोड़ के आप हमसे पूछ रहे हैं कि कब साथ नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और इस हालत में। स्वीटू तुम शांत हो जाओ, अब ये लो, लो पानी पियो। आपने और आपके घर वालों ने तमाशा मचा दिया था जब हमें मॉडलिंग करनी थी, और अब जब दीदू को मॉडलिंग करनी है तो आप सब मिलके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अब किसी को परेशानी नहीं है। देखो प्लीज तुम शांत हो जाओ पहले और शांति से मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे या मेरे घर वालों को मॉडलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हारे झूठ बोलने से थी। पर तुम्हें रोका थोड़ी है, बस कुछ दिनों के लिए मना किया क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट से जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना स्वीटू। ये सुन सुन के वरुण जी, हम ना प्रेग्नेंट हैं, अपाहिज नहीं हुए हैं, हमारी जिंदगी नहीं रुक जाएगी। कीर्ति, मैम जल्दी से टचअप कर दूं मैं? वाओ मैम, ये लुक आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी जगह तुम्हें होना चाहिए था, और वैसे भी इसके बस का है ही कहाँ ये सब। मैम प्लीज आप आ जाइए।
मैम स्माइल प्लीज. अरे मैम अच्छे से स्माइल करो ना. हमने तो पहले ही कहा था दीदू के बस की बात नहीं है. श्रद्धा तुम हर काम अच्छे से करती हो, बस आज सोच लो कि हाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और ये भी काम अच्छे से करो. रेडी मैम. फैंटास्टिक मैम, क्या कमाल का पोज दिए हो आप. तुमने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया. किसी की नजर ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो. मैम प्लीज आप साइड आ जाइए. हाँ हाँ हो रहा है. तुम्हें पता है शुरू में हमें ऑफर आई थी मॉडलिंग की, वो तो हमने मना कर दिया. हमने सोचा कि श्रद्धा को थोड़ा दिखा दे. हाँ आंटी जी प्लीज आप साइड आ जाइए. रेडी मैम. भाभी जब हमारी लायक बहू की खूबसूरत सी तस्वीर छपेगी तो समाज में तो हमारी नाक ही ऊपर हो जाएगी. अब सबकी तकदीर तो ऐसी नहीं होती है ना भाभी. तनुजा वो तो अच्छा हुआ कि हमारी बहू माँ बनने वाली, वरना ऐसे नहीं होते तो उन्हें ही मिला करते थे, है ना. चलो इसी बहाने आपकी बहू को भी मौका मिल गया. भाभी आपकी बहू तो अनूठी है, जैसी उसकी हरकतें. अरे उसके जलवे तो हम रोज ही देखा करते हैं. क्यों रे तू फिर शुरू हो गई आप लोगों की तू तू मैंने. ये कोई वक्त है तू तू मैंने करने का. वहां सामने देखिए श्रद्धा को देखिए, आए बिल्कुल परी जैसी लग रही है. किसी की नजर ना लगे उसे. शाम को तुम्हारे पास आई रही थी लहंगा लेके. अरे मैं उसी तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा मैं ही लेती जाऊं और तुम्हारा एक चक्कर भी बचेगा. अच्छा अच्छा बैठो ना मैं भी लेकर आती हूँ. अबे किया ना लहंगा लेने के लिए आई है. सेट भारी है आप निकाल देंगे. हाँ. लहंगा तो यहाँ नहीं है. नहीं है मतलब नहीं है तो फिर गया कहाँ. 15 लाख का लहंगा. किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग.